जय उत्तराखंड। वैष्णव माउंटेन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड लोक संगीत का आया नगर में दिखा जलवा, जागरों और लोक संस्कृति का रंग बिखरा। उत्तराखंड लोक कला मंच द्वारा आया नगर में विशाल भगवती जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने जागर सम्राट प्रीतम वर्तमान और हीरा सिंह राणा और उनके साथियों के गीतों का लुत्फ उठाया। इसमें माता मंगला और भोले महाराज भी उपस्थित रहे। जागरों की बेहतरीन प्रस्तुति के साथ पूजा पाठ के बीच लोक संस्कृति की छटा को प्रस्तुत किया गया। कलाकारों ने अपनी संस्कृति को पहचान दिलाने और प्रवासियों में पहाड़ों की परंपराओं को जीवित रखने के लिए बहुत ही अच्छी प्रस्तुति करी। देखिए हमारी एक रिपोर्ट। भोले जी महाराज अपने शौक से एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो था हम लोगों का, जहाँ भजनों का हम लोग रिकॉर्डिंग कराते थे, वहाँ पे राणा जी आए थे। लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि आज ऐसी अवस्था में भी वो उसी जोश और उन्हीं जो एक उत्तेजना जिसमें थी, एक जागृति है सबके लिए, एक भक्ति भाव से भरपूर है, ऐसे भजनों का हम सब ने आनंद लिया। चाहे हम कहीं के भी हो, ये तो मनुष्य की बनाई हुई सीमाएं हैं, चाहे हम कहीं के भी हो, लेकिन आज हमने कुमाऊं बांट दिया, गढ़वाल बांट दिया, उत्तराखंड को भी बांट दिया। और एक बार मैं संदीप शर्मा जी मुख्य अधिवक्ता दिल्ली। तू पटवावे छानी हम तेरी बलही दूला, तू पटवावे छानी, तू पटवावे छानी तेरी बलही दूला। तू भगवत छे भवानी, तू भगवत छे भवानी तेरी बलही दूला, तेरी मानी बैठानी तेरी बलही दूला। आज उत्तराखंड लोक कला मंच के द्वारा हमने जागरण का मंचन किया, जिसमें कि माता मंगला और भोले महाराज आए हैं। हम बहुत ही खुश हैं, प्रसन्न हैं। आज की डेट में हमारे साथ संयोजक, किस तरह का कार्यक्रम, क्या कहेंगे कार्यक्रम? आज हम इस कार्यक्रम में जागरण माँ भगवती का जागरण करा रहे हैं और ये 3 साल से कराते आ रही है, ये तीसरा जागरण है। और आज इस जागरण में हमारे बीच में माता करुणा माई, माता श्री मंगला जी एंड भोले महाराज जी, संदीप शर्मा जी, जिस तरह लोगों का क्राउड यहाँ पे आ रहा है, क्या कहेंगे? बहुत ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बहुत ही अच्छा उत्साह और एक हमारा उत्तराखंड का बहुत अच्छा प्रोग्राम है और लोगों के अंदर बहुत ही अच्छा श्रद्धा उमंग भरी हुई है। और इसी तरह हम चाहते हैं कि ऐसे हम उत्तराखंड के अंदर कार्यक्रम कराते रहें।
के पहाड़ की तो आज भी हमारे 16-17 साल की प्राप्ति के बाद भी उसकी जो दशा है वो सही रूप में हमको दिखाई नहीं देती, थोड़ा पीछे हो जो होना चाहिए। तो उसमें दो लाइन मैं आपके सामने रखता हूँ, मेरो पहाड़ मैं कविता के रूप में दो शब्द बोल रहा हूँ, मेरो पहाड़ रोय दुखों को ड्योर पहाड़, बुजुर्गों ले जोड़ पहाड़, राजनीति ले ठोड़ पहाड़, ठगदारों ले भोड़ पहाड़, नंदिनों ले छोड़ पहाड़, गाँव ने घुसे घेर न बाढ़, डर पहाड़ सब ले गई शहरों में, छुला छोटा नगरों में, पेट पाऊन के चक्रों में, गिराव जड़े कमरों में, बाजपुरियों में जाम को झाड़, डर पहाड़ युक्त स्थान होता है जहाँ पर उसको दर्शाया ताकि नई पीढ़ी को क्या कहेंगे, जिस तरह से आज की युवा पीढ़ी जो है काफी इस तरफ अट्रैक्ट हो रही है अपने संगीत के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, उसके प्रति क्या कहेंगे? ये बड़ा अच्छा सुंदर संकेत है, संस्कृति अपने गीत लोकगीत जितने नई पीढ़ी उतना भोले जी महाराज को, माता मंगल जी को मेरा बहुत ज्यादा लालयित होंगे और उससे हमारी संस्कृति के लिए। जिस तरह से आप संस्कृति को बचाए हुए हैं, जागर सम्राट आप कहे जाते हैं, अपने जागरों को आपने बचा के रखा, इस पे क्या कहेंगे आप? जागर हमारा द्योतक है संस्कृति का, जागर जीवन जोशी एक ऐसी विधा है जो जिसके लिए पहाड़ जाना चाहिए, जिसको आज संसार अनुसरण कर रहा है और हम आप सब सौभाग्यशाली हैं अपनी पारंपरिक संस्कृति को पहुंचाने का उत्तरदायित्व लेना। दिव्य जागरण इस बार तीसरी बार, पहली बार हमारे आयनगर में माता मंगलार भोलेनाथ जी आ रहे हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड भी आ रहे हैं, पहली बार आए हैं और बड़े सम्मान मिला हमारी जनता को और हमें उनसे बड़ा विश्वास और भरोसा है और आज लोगों की माता जी का आशीर्वाद हमें मिलेगा, इससे हमारे पूरे जितने भी निवासी यहाँ पे खुश रहेंगे उनसे और अच्छा असर पड़ेगा। और हमारे यहाँ पे पहली बार, हमारे यहाँ पे क्षेत्र में पहली बार माता मंगला जी आ रहे हैं और भोले महाराज जी आ रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे यानी समाज को क्या कहेंगे? अगर आप चाहते हैं कि पहाड़ों की खबर हम आप तक पहुंचाएं तो हमारा चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें।